नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर अंजलि स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज मैं आपको एसिडिटी यानी कि गैस के बारे में बताऊंगी। ये क्यों होता है, क्या इसके कारण होते हैं और क्या इसके लक्षण यानी कि क्या सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं दोस्तों। और आखिर में हम जानेंगे क्या इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन होती है। दोस्तों मैं जो अब आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी, ये बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। अगर आप इसको लेंगे तो आपको गारंटेड आपकी एसिडिटी में बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा दोस्तों। अगर आपको भी बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनी रहती है, फ्लैटुएंस होता है, पेट बहुत भारी भारी सा लगता है, जलन सी महसूस होती है आपके स्टमक में, आपके चेस्ट रीजन पे, अपर चेस्ट में, तो उसके लिए भी दोस्तों बहुत अच्छी मेडिसिन है। साथ ही साथ अगर आपको बहुत ज़्यादा डकारें आती है, खट्टी डकारें आती है और आपको बहुत ज़्यादा जो है पेन होता है आपके चेस्ट में उस एसिडिटी के कारण, अगर उससे आपको माइग्रेन यानी कि आपको हेडेक की समस्या भी दोस्तों होती है, तो उन सभी कारण के लिए दोस्तों आज मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी। तो वो आप जरूर लीजिए, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज मैं आपको एसिडिटी यानी कि गैस के बारे में बताऊंगी दोस्तों। ये समस्या बहुत ज़्यादा कॉमन है, चाहे छोटे हो, चाहे बड़े हो, चाहे बूढ़े हो, हर एक एज कैटेगरी को दोस्तों इसने पकड़ रखा है। तो अगर आपको भी बहुत ज़्यादा एसिडिटी की समस्या है, फ्लैटुएंस की समस्या है, इनडाइजेशन अगर आपको रहता है, कब्जियत की समस्या है दोस्तों, तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखिए। दोस्तों मैं आपको बताती हूँ एसिडिटी क्या होता है। एक्चुअली हमारा जो स्टमक होता है यानी कि जो हमारा पेट होता है, उसमें जो स्टमक होता है वो आप एक हाइड्रोक्लोराइड एसिड नाम का एक एसिड को सीक्रेट करता है, जिससे HCl एसिड कहते हैं दोस्तों। ये एसिड करता क्या है, ये हमारे जो स्टमक होता है उसके अंदर जो खाना आता है उसको पचाने का काम करता है दोस्तों। अगर किसी कारणवश इस एसिड की मात्रा हमारे स्टमक में ज़्यादा हो जाती है तो वो हमारी एसिडिटी को कॉज कर सकता है दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको बताती हूँ क्या कारण होते हैं जिस वजह से हमें एसिडिटी की समस्या दोस्तों होती है। सबसे पहला कारण होता है दोस्तों इरेगुलर डाइट, यानी कि अगर आपकी खान पान जो है वो अगर प्रॉपर तरीके से नहीं रहता है, यानी कि आप सुबह का खाना दिन में खाते हैं, दिन का खाना शाम को खाते हैं, शाम का आप बहुत लेट रात में खाते हैं दोस्तों, तो इस इरेगुलर डाइट के कारण जो है दोस्तों ये आपको एसिडिटी कॉज कर सकता है। दूसरा जो सा कारण होता है दोस्तों वो होता है ओवर ईटिंग, यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, आपका पेट बहुत ज़्यादा भरा रहता है, तो उस वजह से भी आपको एसिडिटी की समस्या दोस्तों हो सकती है। अगर आप बहुत लेट खाना खाते हैं और खाना खाते से ही आप एक घंटे बाद सो जाते हैं, तो उस वजह से भी आपको एसिडिटी यानी कि गैस की समस्या दोस्तों हो सकती है, क्योंकि हमारा जो खाना होता है वो प्रॉपर तरीके से पच नहीं पाता है, डाइजेस्ट नहीं हो पाता है रात में, तो उस वजह से दोस्तों आपको एसिडिटी की गैस की समस्या हो सकती है। दोस्तों उसका अगला कारण होता है डाइट, यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा मिर्च मसालेदार या फिर बहुत स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा ऑयली तला गला खाना पसंद करते हैं, अगर आप बहुत बाहर का खाना खाते हैं, होटल का खाना अगर आप डेली खाते हैं, बाहर की चीज़ अगर आप कोई सी डेली खाते हैं, तो उस वजह से भी आपका जो है जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है आपकी स्टमक की, वो डैमेज होने लग जाती है, और वो डैमेज होने लग जाती है तो आपको एसिडिटी कॉज करती है, क्योंकि वो जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है दोस्तों स्टमक की, वो ज़्यादा मात्रा में HCl सिक्रीट करती है, और HCl एक्चुअली है एसिड है, तो वो एसिड आपका स्टमक में रहता है और आपको एसिडिटी कॉज करता है दोस्तों। अगर आप दोस्तों बहुत ज़्यादा अल्कोहल की मात्रा लेते हैं, यानी कि स्टूमलेंट्स लेते हैं, या फिर आप चाय या कॉफ़ी बहुत ज़्यादा लेते हैं दोस्तों, तो उस वजह से भी आपको इस समस्या हो सकती है दोस्तों। दोस्तों अगर आप बहुत ज़्यादा टी या कॉफ़ी लेते हैं दिन भर में, अगर आप दो चाय अगर आप लेते हैं तो उससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर आप उससे ज़्यादा अगर आप टी या कॉफ़ी स्टूमलेंट्स जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, अल्कोहल या फिर टबेको, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, तो वो भी आपकी एसिडिटी को कॉज करता है दोस्तों। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या लक्षण हमको देखने को मिलते हैं दोस्तों। सबसे पहला और मुख्य लक्षण होता है दोस्तों एसिडिटी बनना, यानी कि बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनेगी आपको, आपके पेट में बहुत ज़्यादा जलन सी रहेगी, स्पेशली आपके स्टमक के एरिया में, आपके यहाँ पर बीच के एरिया में आपको बहुत ज़्यादा जो है जलन सी महसूस होगी, साथ में आपको पेन भी हो सकता है दोस्तों, और बहुत ज़्यादा आपको डकारें आएगी, खट्टी डकारें भी हो सकती है मोस्टली, और आपका मुँह में बहुत ज़्यादा सोर सा टेस्ट बना रहेगा, यानी कि खट्टा खट्टा सा आपको टेस्ट आपके मुँह में बना रहेगा दोस्तों। जो दोस्तों इसका लक्षण होता है वो होता है ब्लॉटिंग, यानी कि फ्लैटनेस, यानी कि आपका पेट बहुत ज़्यादा आपको भरा भरा महसूस होगा, ऐसा लगेगा कि आपका पेट भरा सा है, फूला फूला सा पेट है, तो ऐसा आपको इसमें देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत सालों से रहती है, तो आपको कब्जियत की, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम दोस्तों हो सकती है।
अगर आप दोस्तों आपको बहुत सीवियरिटी में एसिडिटी बनी रहती है, हमेशा ही बनी रहती है, चुभन सी महसूस होती है, तो उस वजह से आपको नोशिया यानी कि उल्टी जैसा महसूस भी हो सकता है, और मोस्टली कंडीशंस में उल्टी भी दोस्तों हो जाती है। और अगर आपको एसिडिटी रहती है तो उस वजह से आपको हेडेक की समस्या यानी कि सर दर्द भी दोस्तों हो सकता है। अब दोस्तों मैं आपको कुछ इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन बताती हूँ, अगर आप इसे लेंगे, कम से कम अगर आप इसे 1 महीना भी लेंगे तो आपकी एसिडिटी की समस्या में आपको बहुत आराम मिलेगा। इनफैक्ट आपको 3 या 4 दिन के अंदर ही आपको जो है इसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो आप ज़रूर इन मेडिसिन को परचेस कीजिए। सबसे पहले और इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों ये निक्सोसिड सिरप, ये SBL कंपनी का है, और इसकी नेट क्वांटिटी आपको 150 ml मिल जाएगी और इसकी प्राइस आपको 95 अराउंड मिल जाएगी दोस्तों। दोस्तों बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है, आप जरूर इसे परचेज कीजिए। इसके अंदर अब मैं आपको बताती हूँ क्या कंटेंट्स डले हुए हैं, क्या होम्योपैथिक मेडिसिन दोस्तों डली हुई है। सबसे पहली और इफेक्टिव मेडिसिन दोस्तों इसके अंदर डली हुई है वो है नेट्रम्फोस। नेट्रम्फोस बहुत अच्छी मेडिसिन है अगर आपको एसिडिटी की समस्या रहती है, गैस की समस्या बनी रहती है, और स्पेशली अगर आपको लीवर से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम है, खाना प्रॉपर नहीं पचता है, आपको स्टूल भी जो है उसमें इनडाइजेस्टेड आपको मटेरियल्स देखने को मिलते हैं, और अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन भी रहता है उस वजह से अगर आपको एसिडिटी है दोस्तों, तो ये मेडिसिन बहुत अच्छी काम करती है। और साथ ही साथ अब जो दूसरी मेडिसिन दोस्तों इसमें डली है वो मैं आपको बताती हूँ। दूसरी मेडिसिन दोस्तों डली है इसमें वो है कार्बोवेज। कार्बोवेज बहुत ही अच्छी मेडिसिन है अगर आपको ब्लॉटिंग की समस्या है, यानी कि पेट बहुत फुला फुला सा लगता है, कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होती है, मानो ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा गैस बन रही है, बहुत ही ज़्यादा डकारें आ रही हैं दोस्तों, तो उस कंडीशन के लिए कार्बोवेज बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगली जो मेडिसिन दोस्तों इसमें डली हुई है वो है लाइकोपोडियम। अगर दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, यानी कि टेंशन रहती है, एंजाइटी रहती है, उस टेंशन के कारण अगर आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी की समस्या है दोस्तों, बहुत काम का लोड रहता है, तो उस वजह से अगर आपको गैस बनती है, तो उसके लिए दोस्तों लाइकोपोडियम बहुत अच्छी मेडिसिन है, टॉप ग्रेड मेडिसिन है दोस्तों ये एसिडिटी के लिए। नेक्स्ट जो दोस्तों इसमें मेडिसिन डली है वो है रोबीनिया। रोबीनिया भी दोस्तों टॉप ग्रेड मेडिसिन आती है अगर आपको फ्लैटुलेंस की समस्या और बार बार आपकी गैस बनी रहती है, पेट में चुभन सी होती रहती है, जलन सी महसूस होती है, बहुत ज़्यादा डकारे अगर आपको आती है दोस्तों, तो उसके लिए भी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको एसिड रिफ्लेक्स की समस्या रहती है, यानी कि आपका खाना ऊपर की ओर ऐसा बढ़ता है, स्पेशली रात में जब आप सोते हैं तब दोस्तों ऊपर चढ़ता है खाना, तो उसके लिए दोस्तों ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन। दोस्तों मैं आपको बताती हूँ इसे आप कैसे लेंगे, आपको कैसे जो है इस मेडिसिन को लेना है। आपको अगर आप बड़े ले रहे हैं तो भी आप इसे ले सकते हैं, छोटे को दे रहे हैं तो भी आप इसे ले सकते हैं, और इसकी एक और प्लस पॉइंट है दोस्तों कि इसमें प्योर होम्योपैथिक मेडिसिन डली हुई, कोई भी केमिकल्स, और आपको कोई भी इसके नुकसान साइड इफेक्ट्स नहीं देखने को मिलेंगे। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इसकी आपको 5 ml जो है ढक्कन इसमें प्रोवाइड है दोस्तों, उसमें 5 ml आप फील कीजिए एडल्ट्स के लिए, और उसको दिन में 4 बार कम से कम पीजिए, सुबह दोपहर शाम और रात दोस्तों। अगर आप छोटों को देना चाहते हैं तो 1 teaspoon 3 times a day आप उसे दीजिए, यानी कि 1 चम्मच 3 बार दिन में दे, बहुत ही अच्छे आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगली जो मेडिसिन है दोस्तों वो है एसिडोसिन टैबलेट, ये है न्यू लाइफ कंपनी की आती है, ये दोस्तों न्यू लाइफ कंपनी की आती है, ये टैबलेट फॉर्म में है, इसकी प्राइस आपको 80 अराउंड मिल जाएगी, और इसकी जो ग्राम है आपको 25 ग्राम अराउंड मिल जाएगा दोस्तों। ये भी बहुत अच्छी मेडिसिन है अगर आपको ऊपर की और चुभन सी महसूस होती है, दिन भर आपको गैस बनी रहती है, बिना ही वजह आपको गैस बनी रहती है, पेट में चुभन लगती है दोस्तों, तो उसके लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसके आपको 2 tablets दिन में 3 to 4 times a day आपको लेना है दोस्तों, यानी कि 2 गोली दिन में 3 से 4 बार आप इसे चूसें, सिर्फ चूसना है, पानी से आपको नहीं लेना है दोस्तों, ये ऑटोमेटिक जो है आपकी टंग पे गल जाएगी दोस्तों। ये दोनों ही मेडिसिन जो मैंने आपको बताई हैं, अगर आप इन्हें लेंगे तो आपके एसिडिटी में और गैस की समस्या में आपको बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा। साथ ही साथ अगर आपको अदर कोई सी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है तो उसमें अगर आपको गैस की शिकायत है दोस्तों, तो उसके लिए भी आपको बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है, आप ज़रूर इन्हें लीजिए। आपको 2 महीने आपको कंटिन्यू इसको यूज़ करना है, रिजल्ट आपको 3 या 4 दिन में ही आपको फ़र्क देखने को मिलेगा दोस्तों।
अगर दोस्तों आप मेरी और भी वीडियोस अगर देखना चाहते हैं तो उसके लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड कर दी है, आप जरूर उसे चेकआउट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आज इस वीडियो को मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ और आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और नीचे दिए लाइक के बटन को जरूर प्रेस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, पास में ही बेल आइकन है आपसे ज़रूर दबाइए ताकि आपको आने वाली अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। दोस्तों तो मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।